अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा क्या हाल चाल है यार तुम लोगों का। उम्मीद है कि तुम सब ठीक होगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ A8 रॉयल पास की 1-100 RP रिवॉर्ड्स, वो भी 3D लुक्स के अंदर। कल मैंने या परसों मेरे ख्याल से वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर आपको A8 के कुछ जो है ना वो रिवॉर्ड्स दिखाए थे, लेकिन आज जो है ना A to Z तमाम रिवॉर्ड जो है ना वो आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ, क्या क्या RP के अंदर आ रहा है और न्यू क्या क्या ऐड हुआ है। इसलिए शुरू से लेके आखिर तक फुल वीडियो को वॉच करना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और न्यू हो चैनल पे तो भाई दिल किया था आग्रह से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो भी बंदा न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस तरह की खजल खराबियां डेली बेसिस पे करते रहते हैं। बात तो सही है, करनी पड़ती है यार। तो चलो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जो आरपी के अंदर आउटफिट्स आ रहे हैं ना, आपको वो दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से हैं और किस तरह के दिखेंगे। तो कल मैंने आपको 100 आरपी का आउटफिट दिखाया था, दोबारा से देख लो। इस तरह का हमारा 100 आरपी का आउटफिट होने वाला है और इसमें जो हेडगियर है वो होने वाला है भाई इस तरह का लेजेंडरी, और साथ जो है ना इसके नीचे वाला हिस्सा सारा सूट वो होगा मिथिक, कुछ इस टाइप का आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये 100 आरपी का आउटफिट है। इसके बाद एक और आउटफिट है जिसका हेडगियर भी देखो ये मिथिक है। इसके कल मैंने नाम ही आपको सिर्फ बताए थे, तो वेव विस्परर कवर, और साथ इसका जो है ना ये सेट बहुत ही हैवी किस्म का बनाया है। मेरे देखने में भाई 100 आरपी से बेहतर ये वाला है, और ये मुझे लग रहा है कि हमें 40 आरपी के अराउंड जो है ना वो देखने को मिल सकता है। तो बताना आपको ये वाला आउटफिट अच्छा लगा या 100 आरपी वाला। सही है, अब हो गया ये दो मिथिक। इसके अलावा जो है ना एक लेजेंडरी है जो कि हमें 1 RP पे देखने को मिल सकता है, तो भाई वो है ये सी क्रिएटर सेट। तो इसके ज्यादा चांसेस है 1 RP पे देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई लेजेंडरी आउटफिट जो है ना हमें लेवल 1 पे ही देखने को मिलते हैं। अब दिखाता हूं गन स्किन्स जो के आ रही हैं। सबसे पहले भाई AUG की स्किन कुछ इस टाइप की होगी, इसका भी मैंने कल नाम ही आपको बताया था, लेकिन आज देखो टेक्सचर भी आ चुके हैं। सबसे पहले ये AUG है, इसके बाद जो है ना ये M16A4 है, ग्रीन टाइप की होगी, सिंपल है, कोई अपग्रेडेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सेकंड स्किन हमारे पास ये है। थर्ड स्किन जो है ना DBS है, जो मैंने आज अपने WhatsApp चैनल पे भी अपडेट की थी, सबमर्सिबल DBS इसका नाम होने वाला है, और मैं कहता हूं भाई क्या ही बनाई है। अब इसके अंदर अगर आ जाता ना किल मैसेज तो थोड़ा सा सीन और हैवी हो जाना था। बाकी ये एक DBS की स्किन है। ये तीनों स्किन्स जो है ना वो बिल्कुल सिंपल होंगी, कोई किल मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके अलावा ये एक हमें शॉटगन भी देखने को मिल जाएगी S1897 की, कुछ इस टाइप की होगी, हमारे थीम से रिलेटेड। सही है, एंड इसके बाद एक उजी की स्किन है भाई, वो भी बहुत मजे की है, ये चेकआउट कर सकते हो। सी क्रिएटर जो है ना ये उजी है, और मैं कहता हूँ काश ये अपग्रेडेबल होती, चस आ जानी थी। एट द एंड अपग्रेडेबल जो गन है वो है SLR, और वो है ये वाली Level 1 इसका ये है। Level 2 पे कुछ इस टाइप की दिखेगी और Level 3 पे कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो ये हमारी किल मैसेज वाली SLR है, जो कि 50 RP पे हमें देखने को मिल जाएगी। सही है, बाकी इसका किल मैसेज भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं इमोट्स की तरफ। तो जब हम बड़ा रॉयल पास लेते हैं तो हमें साथ ये वाला इमोट बिल्कुल फ्री में मिलता है, तो ये इसकी लेजेंडरी फॉर्म है। इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हो ये विक्ट्री डांस भी है। सही है, तो इसकी लेजेंडरी फॉर्म आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मिथिक फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना इमोट भी अपग्रेड होते हैं। सही है, तो ये अपग्रेडेबल वर्जन है, ये मिथिक हो जाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर जो है ना वो थीम से रिलेटेड ही ये सारा इमोट डिजाइन किया गया है। वाटर शटर इसके अराउंड जो है ना वो इस तरह से थोड़ा बहुत है, ये चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस टाइप का हमारा ये विक्ट्री डांस रहने वाला है, जो कि चिकन डिनर पे हमें देखने को मिलेगा। साथ कुछ इपिक इमोट्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से हैं भाई, पता नहीं की करी जा रहे हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूँ अगर एग्रेसिव से बनाए ना इमोट्स तो फिर काफ़ी ज़्यादा चस आ जाएगी। बाकी ये एक इमोट है जो कि हमें 8 RP के अंदर बिल्कुल फ्री में मिलेगा A8 रॉयल पास के अंदर। सही है, इसके बाद एक और है इपिक, और वो है ये वाला। तो भाई इपिक जो है ना वो बिल्कुल हमें फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा जो है मिथिक एक और इमोट है A8 का, और वो होने वाला है ये बस थल्लो बहंदा ये उस तो बाद उठ पैंदा ये हैं। इसके अलावा एक और मिथिक इमोट, भाई इमोटों की तो बारिश ही कह लो हो जाती है। इसके बाद एक ये सर्फर वाला भी एक इमोट है, ये कुछ इस टाइप का होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं बाकी रिवॉर्ड्स की तरफ, जिसके अंदर जो है ना इसका हेलमेट है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो Level 1, 2, 3। ये भी फिश पे ही बेस है, क्योंकि ये सारा जो है ना हमारा थीम मोड वो अंडर वाटर से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाते हैं जी बैकपैक। तो बैकपैक हमारा कुछ इस टाइप का रहने वाला है, ऑक्टोपस जो है ना इस तरह का बना हुआ है। इसका भी आप Level 1, 2, 3 चेकआउट कर सकते हो। अब ये इसकी कह लो कि कुछ हद तक 3D फॉर्म ही आपके सामने एकदम से जो एनिमेशन आ रही है। अब आते हैं RP की व्हीकल्स पर। तो सबसे पहले ये स्पीड बोर्ड जो है ना हमें ये देखने को मिल जाएगी, वॉयलेट वेंचर
स्पीड बोट, सही है। तो ये इस टाइप की रहेगी सारी, और इस दफा जितने भी रिवॉर्ड आ रहे हैं ना वो सारे सी क्रीचर से रिलेटेड है, मतलब कोई ना कोई इसके ऊपर फोटो बनी ही हुई है। जैसे कि हमारा ये एक प्लेन की फिनिश है, इसके ऊपर देखो आप, पता नहीं वेल या शार्क बनी हुई है लेकिन कुछ बना हुआ है, लेकिन ये इसकी 3D लुक आप चेक कर सकते हो, कुछ इस टाइप का ये प्लेन है और काफी अच्छा बनाया यार, मुझे पसंद आया है। आपको किस तरह का लगा भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। प्लेन के अलावा एक विंगमैन की भी स्किन है जो कि इस दफा काफी मजे की है, ये चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा बहुत ग्लेशियर भी कह लो कि आपको नजर आ रहा होगा, मतलब उस तरह की वाइब आ रही है। इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से पता नहीं वेल बनी है या शार्क बनी हुई है, बाकी दिल तो कर रहा है इस दफा लें। एंड जो मेन चीज है इस थीम मोड की वो रहने वाली है इसकी स्पेशल व्हीकल, जो कि रहने वाली है भाई ये स्टिंग ग्रे फिश, ठीक है। तो ये आपके बाद में ना वो मैचेस के अंदर यूज होगी, कुछ इस टाइप की है, और ये हमारी व्हीकल है जो कि हमें थीम मोड के अंदर जो है ना देखने को मिल जाएगी तरह तरह की जगह के ऊपर। अब चलते हैं कुछ बेसिक रिवॉर्ड के ऊपर जो कि मैंने आपको कुछ कल भी दिखाए थे, जिसके अंदर भाई एक तो ये ऑर्नामेंट है जो नहीं दिखाया था, लेकिन ग्रेनेड दिखाया था, ये वाला ग्रेनेड आने वाला है। इसके अलावा भी और चीज़ें जैसे कि ये स्टंट ग्रेनेड है, और इसी टाइप के जो है ना कुछ ग्रेनेड हैं, कुछ RP सेक्शन में मिलेंगे और कुछ वैसे हमें देखने को मिल जाएंगे। अच्छा जी, 1 to 100 RP के सारे रिवॉर्ड्स मैंने आपको दिखा दिए, और आप भी कहते होंगे कि यार इतनी जल्दी वीडियो कैसे खत्म होगी, तो भाई ये वीडियो है ही कुछ इस टाइप की, काफ़ी तेज़ जो है ना वो रिवॉर्ड्स आए। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई वो एक जगह पर रोक के चेकआउट कर लेना। बाकी इस दफ़ा जो हमारा रॉयल पास है उसके बाद जो है ना वो मिथिक फोर या प्रीमियम क्रेड वो इस टाइप का ही आने वाला है, क्योंकि हमारी थीम मोड जो है ना वो फुल अटलांटिक है, अंडर वाटर वाला सीन होने वाला है। बाकी यार कुल मिला के ये सारी वीडियो थी, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो है, और तक ओके फिर अल्लाह दे हवाले।